स्वागत है। लगातार आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आज फिर से पहुंचे हैं हम जनता के बीच में और यहाँ पर आने वाले लोगों से हम डायरेक्ट बातचीत करके जानते हैं 5 सालों के अंदर इतना कुछ होने के बावजूद भी क्यों ये डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। नमस्कार मैम। धन्यवाद। आपका नेम? शकुंतला इंसा, सन ऑफ जगदीश इंसा। तो ये हम बेटा एक निशांत। तो ये हमने 20-25 साल नाम लिया था कोसली में। तो हम जब से नाम लिया तो हमने तोड़ा भी नहीं, नहीं तो दुनिया ने बहुत कुछ कहा कि ये नाम तोड़ दो, इसमें क्या पड़ा है। मैंने कहा मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन ये नाम नहीं तोड़ूंगी। और पिताजी ने मेरे साथ बहुत करिश्मे किए, बहुत ज़्यादा किए, इतने किए बेशुमार। लेकिन जितना उनके गुण गाएँ तो बहुत कम है। मैम, संत जी की ज़रूरत है समाज को? है जी, बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये बात समझते नहीं है। उनके ना होने से समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है? समाज में ये प्रभाव पड़ा है कि जिनको नाम दान लेने से विकृष में होते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैम, आप ये जो ड्रेस पहन रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भी ये हम सेवादार बहन भाई हैं और जो नहीं डालते वो भी सेवादार बहन भाई हैं अगर नहीं समझे तो। और लेकिन हम बाहर जाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारी थोड़ी मजबूरी है। पिताजी से अरदास करी थी हमने जब ये वर्दी ली थी कि भी हम जहाँ जहाँ जाएंगे जो जगह पता है हम जरूर जाएंगे, मना नहीं है। लेकिन पिताजी की पावन गद्दी दिवस की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई हो सबको। करोड़ों साथ संगत की तादाद में बैठी है और आती रहेगी और आई है और आएगी। मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये अपील करेंगे कि पिताजी हर परमानेंट के लिए बाहर से बाहर आए और सबके लिए जरूरतमंद सेवा हम करते रहें। तो दोस्तों, ये रियल फैक्ट इनका कहने है कि 30 से 35 सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। आज भी इसलिए आते हैं क्योंकि इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट। आई बहुत बहुत धन्यवाद।